विस्तार न्यूज में हूँ आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों की, आपको खबरों से रूबरू कराते हैं, सीधा उत्तराखंड ले चलते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम होने लगे हैं और उसी के साथ कोविड कर्फ्यू भी बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर कम होने लगा है, जिसे देखते हुए उत्तराखंड की सरकार ने कोविड कर्फ्यू में बढ़ोतरी की गई है। दरअसल कोविड कर्फ्यू को एक बार फिर से उत्तराखंड में बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में 10 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू को लागू किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बाहर से आने वालों के लिए नए नियम लागू होंगे। दरअसल जो बाहर से लोग जाएंगे, पर्यटक जाएंगे, उनके लिए नए नियमों को लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार कम होता दिखाई दे रहा है और 10 अगस्त तक के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। हालांकि बंदिशें अभी भी जारी रहेंगी, पाबंदियां भी लागू रहेंगी, लेकिन इसमें अभी आपको कोई राहत नहीं मिलेगी क्योंकि कोविड कर्फ्यू को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। तीसरी लहर की भी आशंका है, तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार लगातार सतर्क है और साथ ही लोगों से भी अपील कर रही है कि सतर्क और सावधान रहे। स्वास्थ्य विभाग को लगातार अलर्ट मोड भी रखा हुआ है उत्तराखंड की सरकार ने। अस्पतालों में तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की लापरवाही देखने को ना मिले। जिस तरीके से दूसरी लहर में देखा गया था किस तरीके के दहशत का माहौल था पूरे देश में, अब उत्तराखंड सरकार पहले से तैयारियों में जुट गई है। 10 अगस्त के लिए कोविड कर्फ्यू भी बढ़ा दिया गया है और साथ ही बाहर से आने वालों के लिए नए नियम को लागू किया जाएगा। पाबंदियां भी लागू रहेंगी, बंदिशें पहले की तरह अभी जारी रहेंगी, लेकिन उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार कम होता नजर आ रहा है। राहत भरी खबर सामने आ रही है, लोग भी लगातार सतर्क नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि प्रशासन का सहयोग करना बेहद जरूरी है जनता का। अब बाहर से आने वालों के लिए नए नियम लागू होंगे। अगर आप उत्तराखंड में बाहर से जाते हैं, जाने वाले पर्यटकों के लिए नए नियमों को लागू किया जाएगा, नई कोरोना गाइडलाइंस लागू की जाएंगी। उत्तराखंड की जगह बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक के लिए एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि कोविड कर्फ्यू को बढ़ाने के साथ ही पाबंदियां लेकिन अभी भी जारी रहेंगी। बाहर से आने वालों के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे, कोविड कर्फ्यू में बढ़ोतरी कर दी गई है उत्तराखंड में। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल कोरोना महामारी का असर जिस तरीके से कम होने लगा है, अब इसको देखते हुए सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, इसलिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है, सख्ती बढ़ाई गई है, लेकिन पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी और बाहर से आने वाले लोगों के लिए अलग से नियम भी लागू किए जाएंगे, क्योंकि सरकार कोई लापरवाही नहीं चाहती। जिस तरह तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं, 10 अगस्त तक की सुबह 6 बजे तक के लिए कोविड कर्फ्यू को लागू किया गया है और पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। इस वक्त की तमाम बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि स्कूल खुलने पर भी अभी चर्चा की जा रही है। उत्तराखंड में तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं, बाहर से आने वालों के लिए नए नियम भी लागू होंगे। अगर आप बाहर से जा रहे हैं, पर्यटक अगर उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं, तो उनके लिए नए नियम लागू किए जाएंगे उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, कोई लापरवाही नहीं चाहती, इसको देखते हुए सरकार लगातार अलर्ट मोड में भी है। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड में रखा हुआ है, अस्पतालों में तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं। उसी के तहत उत्तराखंड में 10 अगस्त तक सुबह 6 बजे तक के लिए एक बार फिर से कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं संचित शर्मा। संचित, उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक बार फिर से बढ़ा दिया है, क्या सीधा संकेत कि सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती? देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं कि बीते उत्तराखंड में 37 नए कोरोना के मामले मिले, जिसको देख करके सरकार इस वक्त किसी भी तरीके की लापरवाही और किसी भी तरीके का खतरा मोल लेने के मूड में नहीं है। बात करें उत्तराखंड में जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में कहर बरपाया था, उसके बाद से जिस तरीके से कंट्रोल करने के बाद अब मौतों का सिलसिला कहीं ना कहीं उत्तराखंड में रुकता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो उत्तराखंड में एक भी कोरोना से मौत नहीं हुई, जिसको लेकर के पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने, जो आपदा प्रबंधन विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग ने जिस तरीके से जो नई SOP जारी की है, उसमें कोई भी नई राहत नहीं दी गई और साथ ही साथ कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है, जिसको देखते हुए लिहाजा अगर बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में सिर्फ पर्यटकों के लिए जो छूट दी गई थी वही यथावत छूट है, बाकी और कोई छूट इस वक्त उत्तराखंड के अंदर देखने को नहीं मिल रही। संचित, ये भी सामने आया है कि जो लोग बाहर से आएंगे उनके लिए नए नियम होंगे, किस तरह के नियम होंगे ये, कुछ जानकारी आपके पास? देखिए बाहर से आने वालों के अगर नियमों की बात करें तो जिस तरीके से जो वैक्सीन की अगर बात करें, वैक्सीन लगने की जो बात को लेकर के बात की गई है कि अगर किसी व्यक्ति को 15 दिन पहले कोविड की वैक्सीन लगी है तो उसको उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए छूट होगी, उसको बिना RT-PCR रिपोर्ट के
वो अपनी वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखा करके उत्तराखंड के अंदर प्रवेश कर सकता है। जिस तरीके के स्कूल खोले गए, स्कूल को लेकर के जो सख्ती का पालन इस वक्त सरकार ने करने का आदेश जारी किया है, उसके बाद अगर बात कॉलेजों की करें, पॉलिटेक्निक संस्थानों की करें, IIT की करें, तो इनको लेकर के सरकार अभी एक नई गाइडलाइन बनाएगी और इनको अलग गाइडलाइन के तहत इनको खोलने के अनुमति दी जाएगी। संचित, उत्तराखंड में कोरोना के मामले बेहद ही कम हो गए हैं, अब जमीनी स्तर पे हालात क्या आप देख रहे हैं? देखिए, जैसे आपने बताया कि उत्तराखंड में कोरोना के हालात जो हैं वो इस वक्त फिलहाल ठीक हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि इस वक्त 35 संक्रमित मिले और मौतों की जो आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा था वो धीरे धीरे थमता हुआ एक दो से अब शून्य पे आ गए। बात उत्तराखंड में करें, देखिए कि शून्य पे जो आंकड़ा इस वक्त कोरोना का चल रहा है उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड प्रदेश को बड़ी राहत मिली है और सरकार ने इस बात को लेकर के कोई भी लापरवाही न बरतने का निर्देश देते हुए किसी भी तरीके की छूट देने का ऐलान नहीं किया और ना ही अपने SOP में कोई ऐसी छूट जारी की है, क्योंकि सरकार इस वक्त किसी भी तरीके की छूट देने के मूड में नहीं है। और आप बात करें जिस तरीके टूरिस्ट स्थल की बात करें तो आप देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड एक टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता है, जिसको लेकर के अलग अलग प्रदेशों से पर्यटक उत्तराखंड के अंदर आते हैं, तो उसको लेकर के जिस तरीके से लगातार कोविड का जो खतरा उत्तराखंड के अंदर बढ़ता जा रहा था उसको भी लेकर के सरकार ने एक सख्ती अपनाई और सख्त रूप अपनाने के बाद जो बाहर से आने वाले पर्यटकों का उनको कोविड के तहत ही उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी गई है और किसी भी तरीके की लापरवाही करने वाले पर्यटकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई उत्तराखंड की प्रशासन कर रहा है। ठीक है संचित, लेकिन तीसरी लहर की भी आशंका है, तो ऐसे में अस्पतालों में व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त आप देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से विशेषज्ञों द्वारा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कोविड की तीसरी लहर आएगी, तो कोविड की तीसरी लहर आने में मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड प्रदेश में जिस तरीके से तीसरी लहर, हमें दूसरी लहर के बारे में नहीं पता था, तीसरी लहर जिस तरीके से आएगी तो हमने लगातार इसकी सारी तैयारियां कर ली है कि किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन बेड दवाइयों की कमी ना हो, कोई वेंटिलेटर की कमी ना हो, ICU बेड की कमी ना हो, इन सब की तैयारी उत्तराखंड प्रदेश में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बच्चों को प्रभावित करेगी, तो NICU और PICU जो वार्ड है वो भी उत्तराखंड के अंदर तैयार कर दिए गए हैं और किसी भी तरीके की अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उत्तराखंड प्रदेश उससे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। संचित, उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बात अगर वैक्सीनेशन सेंटरों की करें तो लगातार लोगों को वैक्सीन लग रही है और जो फर्स्ट डोज वैक्सीन जिनको लगनी है, फर्स्ट डोज वैक्सीन लगने वाले लोगों को अभी भी फिलहाल रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन सेकेंड डोज वैक्सीन लगने वालों को अपना स्पष्ट वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखा करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। और बात अगर वैक्सीनेशन सेंटरों की करें और वैक्सीन की उत्तराखंड के अंदर करें तो इस वक्त पर्याप्त मात्रा में उत्तराखंड के अंदर वैक्सीन उपलब्ध है और जिस तरीके से कि खबरा दबड़ी जिस समय शुरुआती दौर में देखने को मिली थी कि उत्तराखंड के अंदर वैक्सीन को लेकर के खबरा दबड़ी वाला माहौल था, लोगों में एक संशय भी बना हुआ था कि वैक्सीन ना लगवाएं या लगवाएं, इसको लेकर के लगातार जो सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया उसको लेकर के अगर आप बात फिलहाल उत्तराखंड की आज की स्थिति की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो दुरुस्त है बिल्कुल और वहां पर वैक्सीनेशन सेंटरों की जो हालात है वो बढ़िया है। और जिसको लेकर के बात लोगों की करें तो लोगों को भी इस वक्त जो कोई दिक्कतों की सामना जो पहले करने पड़ रहा था वो नहीं करना, हालांकि तकनीकी समस्या अभी भी लोगों के सामने वो वैक्सीनेशन सेंटर मारे क्योंकि कई लोगों के नाम गलत हो जा रहे हैं, कई लोगों का सर्टिफिकेट नहीं निकल पा रहा है, ऐसी समस्या अभी भी उत्तराखंड के अंदर बनी हुई है, लेकिन वैक्सीन को लेकर के कोई भी समस्या फिलहाल उत्तराखंड के अंदर देखने को नहीं मिल रही। ठीक है संचित, तमाम जानकारी आपने दी कि उत्तराखंड में कोरोना से क्या हालात है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आप तक हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में एक रिपोर्ट का खुलासा हुआ है, विशेषज्ञों ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि आखिर कोरोना की तीसरी लहर कब दस्तक देगी। ये जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, भारत में कोरोना की तीसरी लहर इस महीने से दस्तक दे सकती है। विशेषज्ञों के द्वारा से रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है कि इसी महीने से दस्तक दे सकती है कोरोना की तीसरी लहर। विशेषज्ञों ने कहा है कि अगस्त के आखिर में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। दरअसल अगस्त महीने के आखिरी तक में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जता दी गई है, जिसमें रोजाना 1 लाख कोरोना के मामले सामने आएंगे। ये विशेषज्ञों की तरफ से कहा गया है कि रोजाना 1 लाख के करीब मामले सामने आएंगे। इसी के साथ रिपोर्ट्स की माने तो इस महीने में शुरू होने वाली तीसरी लहर अक्टूबर में अपने चरम पर जा सकती है। दरअसल अक्टूबर में तीसरी लहर का पीक देखने को मिलेगा। दूसरी लहर में कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए केंद्र ने राज्यों से ऑक्सीजन की मांग की थी। दरअसल दूसरी लहर में जिस तरीके से देखा गया कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से कमजोर पड़ गई थी, दवा समेत अन्य जरूरी सामानों को पहले ही उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी लहर से सबक लेते हुए ये कहा गया है कि इस बार दवा समेत अन्य सामानों को पहले से रखा जाए। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर के मुकाबले ज्यादा खतरनाक नहीं होगी, ये जानकारी भी सामने आई है कि दूसरी लहर के मुकाबले
कम खतरनाक रहेगी। विशेषज्ञों ने बताया कि दूसरी लहर में देश में हर रोज 4 लाख नए मामले देखने को मिले थे। दूसरी लहर की बात कर रहे हैं तो 4 लाख नए मामले सामने आ रहे थे। हैदराबाद और कानपुर IIT के प्रोफेसरों के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। दरअसल इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और उसमें तीसरी लहर को लेकर के जानकारियां दी गई हैं कि तीसरी लहर को लेकर के अगस्त के अंत तक में 1 लाख रोजाना मामले सामने आ सकते हैं। तो आपको अपना बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि तीसरी लहर आने की आशंका जता दी गई है। विशेषज्ञों की तरफ से भी सलाह चेतावनी जारी कर दी गई है कि किस तरीके से अपना ध्यान रखें। अगस्त के बाद अक्टूबर में कहा गया है कि इसका पीक आ सकता है कोरोना का, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जता दी गई है। ऐसे में बहुत आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी लहर के मुकाबले देखें तो तीसरी लहर में अधिक खतरा है। ऐसे बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उत्तराखंड में कई घंटे बद्रीनाथ हाईवे बंद रहा। उखीमठ चोपता गोपेश्वर हाईवे का 40 मीटर हिस्सा धस गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जिले में अभी भी 26 संपर्क मार्ग बंद है। दरअसल लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से तेज बारिश का मौसम बना हुआ है, इससे आपको बता दें कि प्रदेश में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की तस्वीरें देखने को मिल रही है। भूस्खलन लगातार हो रहा है। उत्तराखंड में कई घंटे तक बद्रीनाथ हाईवे भी बंद रहा, इसी के साथ 26 संपर्क मार्ग भी बंद रहे। आपको बता दें कि कुंड उखीमठ चोपता गोपेश्वर हाईवे का 40 मीटर हिस्सा धस गया और जिसकी वजह से 40 संपर्क मार्ग 26 संपर्क मार्ग भी बंद हो गए। प्रदेश में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की संभावनाएं भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है कि अलर्ट मोड पर रहे। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में लगातार देखा जा रहा है कि तेज बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में अभी जानकारी सामने आई है कि बद्रीनाथ हाईवे भी बंद हुआ और इसी के साथ 26 संपर्क मार्ग भी बंद है। प्रदेश में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की भी संभावना जताई गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि बाहर जाने से बचें। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, लगातार उत्तराखंड में तेज बारिश की वजह से तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है। अब बद्रीनाथ हाईवे बंद है, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं आवागमन किस तरीके से संभव हो पा रहा है उत्तराखंड में? कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी जारी की हुई है कि 5 अगस्त तक कहीं ना कहीं बारिश से भारी बारिश उत्तराखंड में हो सक्ती है। और पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में भी लगातार बारिश देखने को मिल सकती है और साथ ही भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ सकती है। तो वही आपको बताते चले की जिस तरीके से जी, तो उत्तराखंड से जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से मौसम का मिजाज उत्तराखंड में लगातार पल पल बदल रहा है। मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी जारी कर रहा है कि आने वाले दिन उत्तराखंड में बेहद मुश्किलों वाला रहने वाला है। तो लोगों से भी अपील की जा रही है कि घरों से बाहर निकलने से बचे। हमारे संवाददाता लगातार ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से रास्ते बंद होने लगे हैं। बद्रीनाथ हाईवे भी बंद है जिसकी वजह से 26 संपर्क मार्ग भी बंद हो गए हैं। तो लगातार हम आपको उत्तराखंड का अपडेट दे रहे हैं कि मौसम का मिजाज किस तरीके से पल पल बदलता जा रहा है। प्रशासन भी तमाम व्यवस्थाएं अपने तरीके से कर रही है, लेकिन उत्तराखंड है, पहाड़ी इलाका है, ऐसे में भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आती है। मौसम विभाग की तरफ से कहा भी गया है कि भूस्खलन की संभावनाएं भी है, क्योंकि आने वाले दिनों में अलर्ट जारी किया गया है, तेज बारिश उत्तराखंड में हो सकती है। आपको बता दें कि जिले में अभी भी 26 संपर्क मार्ग बंद है। बेहद मुश्किलों से गुजारा हो रहा है इस वक्त उत्तराखंड में, क्योंकि मार्ग लगातार बंद होते जा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे इस वक्त बंद है, कई ऐसे हाईवे हैं जो बंद हो रहे हैं उत्तराखंड में, क्योंकि तेज बारिश के चलते भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ों के दरकने की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। धनराज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, आपसे जानना चाह रहे थे हम कि किस तरीके से आवागमन संभव हो पा रहा है, क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे बंद है, 26 मार्ग बंद है इस वक्त। धनराज जी, सोनी का बिल्कुल, जिस तरीके से अभी भी देखा जाए कि उत्तराखंड में अभी भी 26 मार्ग ऐसे हैं जो बंद चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में जो बारिश हुई थी उसके चलते कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी जारी कर रहा है कि यात्रियों से अपील भी कर रहा है कि यात्री उत्तराखंड आने से अभी बचे, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अभी 5 अगस्त तक भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और ये भी आपको बता दें कि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र के चलते कहीं ना कहीं पहाड़ खिसकने की घटनाएं लगातार होती रहती हैं और जिससे जनहानि होने की संभावना रहती है। तो इसके चलते जो है प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और यात्रियों से यही अपील की जा रही है कि अभी ज्यादा अच्छा होगा कि वो उत्तराखंड का रुख ना करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा,
क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं उससे एक बड़ी हानि होने की संभावना जताई जाती है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर प्रशासन इस पूरे जो अलर्ट है उसके चलते किस तरीके से मुस्तैद रहता है, क्योंकि अभी 5 अगस्त तक का ये अलर्ट जारी किया हुआ है मौसम विभाग की तरफ से। साफ तौर पर देखने में आ रहा है कि जो प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर भी आता है, सभी टीमें अलर्ट मोड पर कर दी गई है। जिस तरीके से यदि मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो जिस तरीके से गंगा की बात करें या फिर नदियों की बात करें तो नदियां अपने उफान पर जरूर आती हैं, लेकिन उससे पहले ही मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी जारी कर दी है कि जो नदियों के किनारे बसे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए। ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी कि उत्तराखंड में मौसम का अपडेट कैसा है। प्रशासन भी लगातार व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुख करते हैं उत्तराखंड में। राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही है। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही है क्योंकि आगामी विधानसभा बेहद नजदीक है। बीजेपी में फिर से चलेगा बैठकों का दौर। बीजेपी में लगातार बैठक हो रही है और बैठकों का दौर चलेगा। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। तमाम राजनीतिक दल इस वक्त बैठकों में लगे हैं। उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। दरअसल राजनीतिक पार्टियां इस वक्त उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के तैयारियों में जुट गई है। बात कांग्रेस की करे, बीजेपी की करे या तमाम क्षेत्रीय पार्टियों की, इस वक्त उत्तराखंड में सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी लगातार बैठकों का कर रही है और बैठकों का दौर चल रहा है। रणनीति बनाई जा रही है कि एक बार फिर से किस तरीके सत्ता में आया जाए, क्योंकि इतिहास देखते हैं तो उत्तराखंड का लगातार सीएम बदलते हैं, कभी कांग्रेस के कभी बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है कि 2022 में भी कमान बीजेपी के हाथों में रहे। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां इस वक्त पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है और राजनीतिक सरगर्मियां उत्तराखंड में बढ़ने लगी है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि बीजेपी में एक बार फिर से बैठकों का दौर चलेगा। हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, राजनीतिक सरगर्मियां उत्तराखंड में बढ़ने लगी है, बीजेपी लगातार बैठक कर रही है, आगे भी बैठकों का दौर चलेगा, क्या कुछ रणनीति या बीजेपी की तरफ से आप देख रहे हैं? जी दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा कि करीब 2022 का चुनाव अब जल्द ही आने वाला है, बैठकों का दौर जारी है। इसके साथ ही तमाम सारी जो पार्टियां वो अभी बैठकों का दौर जारी रखा है, तमाम सारी रणनीति बनाई जा रही है, किस तरीके से जनता के बीच में जाया जाए, क्या कुछ मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाया जाए, यह सब चीजें अहम मानी जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय और तमाम सारे जो प्रदेश कार्यालय समेत जो जिला कार्यालय है वहां पर भी बैठकों का दौर जारी है और जिलों में भी बैठकों का दौर जारी है। तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं, जो योजनाएं चल रही हैं वह जनता तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, इसकी जानकारी भी इकट्ठा की जा रही है, खाका तैयार किया जा रहा है। तो तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त करने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन नवीन, इसी बीच देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में कई तरह के प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, कभी बिजली कर्मचारी की तरफ से, कभी सफाई कर्मचारी, और साथ ही देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा भी है। तो ऐसे में बीजेपी क्या रणनीति बना रही है इन मुद्दों को लेकर के? जी निश्चित तौर पर, जिस तरीके से जहाँ चुनाव नजदीक है तो वहीं अब जो धरने और प्रदर्शन है वो अभी शुरू हो गए हैं। कई सारे ऐसे विभाग हैं जो अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं कि सरकार की सरकार उनकी मांगे माने, क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में जनता को रिझाने का प्रयास किया जाएगा बीजेपी की तरफ से और जनता के आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रदेश में जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो लगातार धरने हो रहे हैं, हालांकि सरकार जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर जो भी कर्मचारी हैं उनकी मांगे जरूर सुन रही है और सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, सबके साथ न्याय होगा, सबको सबकी मांगे मानी जाएंगी। तो सरकार का यह जरूर दावा है कि जो आम जनता है या फिर कर्मचारी हैं उनकी मांगों को सुना जाएगा और जो जायज मांगे होंगी उन्हें जरूर पूरा किया जाएगा। नवीन, बीजेपी की तरफ से लगातार व्यवस्था की जा रही है, रणनीति तो बनाई जा रही है, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पे रहते हैं तो क्या मूड आप जनता का देख रहे हैं? जनता अभी मूड अपना बताने के फिराक में नहीं है, क्योंकि जनता अभी वेट एंड वॉच कर रही है। जनता देखना चाह रही है कि आगे के लिए उनके लिए क्या कुछ योजनाएं रहेंगी, क्या कुछ सरकार और करने वाली है, इसके बाद ही जनता का रुझान आना शुरू हो। पूरी तैयारी की जा रही है कि जनता के बीच में कैसे जाया जाए, जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, या सरकार जरूर दावे कर रही है और सरकार यह प्रयास भी कर रही है कि जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उसे
जनता का लाभ जरूर मिले। हालांकि जनता का अभी रुख कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जनता किसके पलड़े में जाएगी, किसकी सरकार बनेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो सरकार है, बीजेपी है, बीजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, जो कार्यकर्ता है उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिला स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश स्तर पर। और गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की बात की जाए तो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में भी अलग अलग कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है नवीन, तमाम जानकारी आपने दी कि उत्तराखंड में किस तरीके से बीजेपी रणनीति बना रही है और क्या कुछ रहने वाला, बहुत शुक्रिया। इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आई है, ऋषिकेश में आज से शुरू होगा कांग्रेस का मंथन शिविर। ऋषिकेश में कांग्रेस का मंथन शिविर शुरू होने जा रहा है। पूर्व मंत्री सुखवीर सिंह सजवाना की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। ऋषिकेश में आज से शुरू होगा कांग्रेस का मंथन शिविर। लगातार कांग्रेस की तरफ से भी बैठक की जा रही है और अब मंथन शिविर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आयोजित शिविर में प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई है, ऋषिकेश में आज से शुरू होगा कांग्रेस का मंथन शिविर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम मुद्दे को लेकर इसमें बातचीत की जाएगी, फैसले लिए जाएंगे, रणनीति भी बनाई जाएगी, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और समय बेहद कम बचा है, 2022 में होने हैं। कांग्रेस भी लगातार रणनीति बनाने में लगी है और अब मंथन शिविर की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस की तरफ से सुखवीर सिंह सजवान की अध्यक्षता में समिति का आयोजन किया जाएगा। ऋषिकेश में आज से शुरू होगा कांग्रेस का मंथन शिविर। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आयोजित शिविर में प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता भी जुटने वाले हैं। तमाम मंत्री इसमें शामिल होंगे, तमाम नेता शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी क्योंकि चुनाव को लेकर के समय बेहद कम बचा है और कांग्रेस लगातार रणनीति बनाने में भी जुट गई है। और कांग्रेस की तरफ से लगातार दावे भी किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में कमान कांग्रेस के हाथों आएगी। हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से धीरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेंद्र, कांग्रेस की तरफ से मंथन शिविर की शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ रहने वाला है इस शिविर के दौरान? बिल्कुल सोनिका, देखिए अब कांग्रेस चुनाव को देखते हुए उनकी जो टीम है वो गठित हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष नया मिल गया है, नेता प्रतिपक्ष नया मिल गया है। इसके साथ ही तमाम जो गुट अलग अलग दिखाई देते थे, काफी कोशिश उनके सीनियर लीडर्स ने की है कि वो एकजुट हो जाए और चुनाव में एकजुटता के साथ परफॉर्म करें। इन सबको देखते हुए, इन सब योजनाओं को धरातल पे उतारने के लिए कांग्रेस ने चिंतन मंथन शिविर जैसा अभियान छेड़ा है और जिसके तहत आज वो जो पूर्व मंत्री है सुरवीर सजवाड़ वहां पे इस तरह के एक शिविर का आयोजन कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं के भी शामिल होने की उम्मीद है। तो सोनिका मैं बता दूं कि यह एक तरह से चुनावी जो सक्रियता होती है पार्टियों की, उसके अनुसार अब कांग्रेस सक्रिय हो गई है और उसके पास बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसके आधार पे वो अपने कार्यकर्ताओं में ये हौसला, ये उत्साह भर सकती है कि बीजेपी की 5 साल की जो सरकार है उसमें 4-3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदले, जबकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार थी, कोरोना में सरकार ने ठीक से काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, इस प्रदेश में जो एक मिथक बना हुआ है कि एक बार कांग्रेस आएगी और एक बार फिर बीजेपी आएगी, तो बीजेपी के बाद अब कांग्रेस को लगता है कि उसका ही नंबर आने वाला है सत्ता में। इसलिए इस तरह के आयोजन के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अब इस तरह के अभियान शुरू कर दिए हैं। धीरेन्द्र, इस वक्त उत्तराखंड में राजनीतिक दल सभी एक्टिव तो हो गए हैं, कांग्रेस भी एक्टिव है, लेकिन आप उत्तराखंड में जनता का क्या रुझान देख रहे हैं? सोनिका देखिए, जनता जो है इन राजनीतिक दलों के एक तरह से अपनी जुबान से तल जाने का, बदल जाने का जो एक टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, उसको लेकर के जनता में काफी निराशा देखने को मिलती है। और शायद इसीलिए हम जब यहाँ पे जितने भी बाई इलेक्शन हुए 2017 के बाद, उनके रुझानों को अगर देखे तो प्रायः जनता नोटा की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। नोटा की संख्या दिनों दिन लगातार बढ़ती रही, तो नोटा एक तरह से कह सकते हैं कि जनता में जो निराशा फैली है सत्ता संस्थानों को लेकर के, राजनीतिक दलों की जो दलीय निष्ठाएं हैं उनको टूटने को देख करके, उनके वादों से मुकरने की प्रवृत्ति को देख करके, तो मैं समझता हूँ जनता जो है बहुत ध्यान से, गंभीरता से ऑब्जर्व कर रही है कि अब 2022 में किस पार्टी को जनादेश देना चाहिए और बीजेपी को दोबारा मौका दिया जाना चाहिए या एक बार फिर से कांग्रेस को मौका दिया जाना चाहिए। तो उनका देखने वाली बात होगी। अभी जनता काफी साइलेंट दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें एक चीज स्पष्ट है कि जनता सरकारों के क्रियाकलापों से काफी निराश भी है।
ठीक है धीरेन, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, क्या क्या शिविर होने वाला है कांग्रेस का और किस तरीके से रहेगा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस का मंथन शिविर ऋषिकेश में आज से शुरू होगा और तमाम नेता तमाम मंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। मंत्री इसमें बैठक में तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएगी। हमारे ब्यूरो चीफ ने जिस तरीके से जानकारी दी कि तमाम नेता इसमें जुटने वाले हैं और अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, किस तरीके से बूथ लेवल पर कार्यकर्ता कार्य करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से 2020 को साधा जाए, तमाम कोशिश होगी, रणनीति बनाई जाएगी इस मंथन शिविर के दौरान। बड़ी जानकारी इस वक्त की आई है सामने, आपको बता दें कि लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही है क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक आने वाले हैं, आगामी विधानसभा चुनाव। वैसे उत्तराखंड में तमाम राजनीतिक दल इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो इस बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।